हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के बेमिसाल चरित्र अभिनेता नजीर हुसैन की रोचक जानकारियां देते हैं। जिंदा रहते हुए ही उनकी मौत कैसे हो गई थी, ये किस्सा जानकर आप रोमांचित हो जाएंगे। पुरानी हिंदी फिल्मों में अगर किसी मजबूर पिता की याद आए तो खुद ब खुद महान अभिनेता नजीर हुसैन की तस्वीर आंखों में उभर आती है। आरजू फिल्म में साधना के पिता बने नजीर जब कहते हैं कि अगर बेटी का भला सोचना बाप के लिए गुनाह है तो मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तब उनका ये संवाद आंखें भर देता है। यूपी के गाजीपुर जिले के उसिया गांव में 15 मई 1922 को अभिनेता नजीर हुसैन पैदा हुए थे। पिता साहबजादा रेलवे में नौकरी करते थे। उन्होंने बेटे नजीर को भी पढ़ा लिखा कर रेलवे में फायरमैन की नौकरी दिलवा दी थी, मगर बेटे की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। नजीर बचपन से ही देशभक्त थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। नजीर लेखन में बहुत निपुण थे, ऐसे में नेताजी ने उनको प्रचार विभाग की बागडोर सौंप दी। बाद में अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया, इनमें नजीर भी थे। हालांकि देश आजाद होने के बाद सबको रिहा किया गया। अब नजीर के पास कुछ काम नहीं रहा तो सोचा अब क्या करें। उन्होंने गांव ना जाकर बंगाली दोस्तों के साथ कलकत्ता जाने का फैसला कर लिया। वहां वो सीधा नेताजी के भाई के पास पहुंचे तो उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर बी एन सरकार से जान पहचान करवा दी। नाटक लिखने में माहिर नजीर बी एन सरकार के न्यू थिएटर्स में नाटक लिखने और अदाकारी करने लगे। एक बार की बात है, मशहूर डायरेक्टर बिमल रॉय उनका नाटक देखने पहुंचे। नजीर का नाटक और अदाकारी उनको इतनी पसंद आई कि बिमल ने नजीर को अपनी फिल्म पहला आदमी में पिता का रोल दे दिया। 1950 में आई इस फिल्म में 30 साल के युवा नजीर ने पिता का किरदार ऐसा निभाया कि बिमल दा भी हैरान हो गए। इसके बाद बिमल दा की फिल्मों में तो नजीर जैसे अनिवार्य हो गए। उनकी फिल्म माँ, विराज बहू, यहूदी और परिणीता में नजीर ने बेजोड़ अभिनय किया। इसी बीच नजीर बंबई आ गए और मशहूर हास्य कलाकार असित सेन के पड़ोसी बन गए। 2 बीघा जमीन, देवदास और नया दौर जैसी फिल्मों में नजीर ने बेहतरीन अदाकारी से अपनी अलग पहचान बना ली। खासकर देवदास में हीरो की बचपन से देखभाल करने वाले धर्मदास की भूमिका तो लोग आज भी याद करते हैं। वहीं प्रेम पुजारी में एक टांग वाले अपाहिज सिपाही की भूमिका भला कौन भूल सकता है। उनकी कुछ यादगार फिल्मों की बात करें तो इनमें अमर अकबर एंथोनी, कटी पतंग, कश्मीर की कली, ज्वेल्स थीफ, कर्मयोगी, बर्निंग ट्रेन, धर्मात्मा, कुंवारा बाप, अनुराग, मेरे जीवन साथी, शर्मिली, हमजोली, आया सावन झूमके और गंगा जमुना हैं। गंगा जमुना में उनका पुलिस अफसर बनकर अपने भाई को ही पकड़ने का रोल भी बेहद लाजवाब रहा था। वैसे नजीर ने भोजपुरी सिनेमा के लिए भी बहुत काम किया। उनकी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो आज भी भोजपुरी की सुपरहिट फिल्मों में शुमार होती है। 50 से 70 के दशक में वो छाए हुए थे। उन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। खासकर मजबूर पिता के रोल उनको बहुत मिला करते थे। वैसे जिंदा रहते हुए ही उनकी मौत का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। जब नजीर आजाद हिंद फौज में गए तो अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे गाजीपुर जिले में फैल गई। खबर फैली कि अंग्रेजों ने नजीर का एनकाउंटर कर दिया है। उनके घर वाले और पूरा गांव उनको मरा हुआ मानता था। एक बार की बात है, अंग्रेज उनको ट्रेन में लेकर दूसरी जेल में शिफ्ट करने दिल्ली ले जा रहे थे। इसी बीच उनके गांव का करीबी स्टेशन दिलदार नगर पड़ा तो नजीर ने एक चिट्ठी में अपना नाम पता लिखकर मैं जिंदा हूं लिख दिया। उनके गांव के एक आदमी को किस्मत से वो चिट्ठी मिल गई। तब पूरे गांव में हल्ला हुआ कि नजीर मरा नहीं, जिंदा है। निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी हिफाजत नाम की लड़की से हुई थी। दोनों की एक बेटी और एक बेटा हुआ।
बेटी हैरोल निशा की शादी दिलदार नगर में हो गई। वहीं बेटा मुमताज हुसैन बंबई में रहता है। नजीर मलाड इलाके में रहते थे। निजी जीवन में वो एक सैनिक ही थे। रोज सुबह रोड पर उनको दौड़ते देखना तो कॉलोनी वालों के लिए आम बात थी। जिस दिन बारिश होती उस दिन नजीर छाता लेकर वॉकिंग पर निकल पड़ते। रात को खाने के बाद भी वो सैर जरूर करते। मगर इतने फिट नजीर हुसैन को फिर भी दिल की गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। नजीर 1987 को फिल्म टिकुलिया चमके आधी रात बना रहे थे। अचानक 16 अक्टूबर को उनको इतना बड़ा दिल का दौरा पड़ गया कि महान चरित्र अभिनेता नजीर हुसैन को अस्पताल ले जाने का समय भी नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको नजीर हुसैन की कौन सी फिल्म या किरदार याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।